हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर वर्खा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो जैसा हम जो शॉर्ट वीडियोस लेकर आते हैं, उसी शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में आज एक और टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज द पिगी बैक मार्केटिंग। जो हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये टर्म पहली बार सुना होगा। जैसे जब मैंने इसको किसी पेपर में पढ़ा था तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, तो मेरे जैसे भी और भी लोग होंगे जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम सुना होगा। बाकी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस टर्म्स को ऑलरेडी जानते भी होंगे, बट हमको एक क्विक रिविजन करना है तो हम उसको शुरू करते हैं। तो ये पिगी बैक मार्केटिंग आखिर होता क्या है? ये बहुत ही एक अच्छी स्ट्रेटजी है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये मार्केट की एक लो कॉस्ट स्ट्रेटजी है। लो कॉस्ट स्ट्रेटजी मतलब यहां पर आपको पैसा बड़ा कम लग रहा है और आपका प्रमोशन बहुत अच्छा हो रहा है, इस तरह की एक स्ट्रेटजी होती है। एक एग्जांपल आपको देती हूं पहले मैं, उससे आपको फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर ये पिगी बैक मार्केटिंग होती क्या है। जैसे कि जैसे जब कार कंपनी है, कोई कार की कंपनी है, वो अपने साथ में प्रमोट कर रही है टायर कंपनी को या फिर जो स्क्रू कंपनीज होती हैं उनको। तो अब जब कार कंपनी और जो टायर कंपनी है वो एक दूसरे को प्रमोट कर रही है अपने अपने मार्केट में, जो प्रमोट कर रही है, तो दैट मींस कि यहां पर जब प्रमोशन हो रहा है वो साथ में हो रहा है, जो भी सारी चीजें हो रही हैं वो साथ में हो रही हैं, बट इससे इनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान इन द सेंस कि यहां पर जो भी प्रोडक्ट आप एडवर्टाइज कर रहे हो वो आपका एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड है ना। कैसा है वो? कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। यहां पर कॉम्पिटिशन की भावना नहीं है, बस वहीं पर आ जाती है आपकी पिगी बैक मार्केटिंग। सो दैट मीन्स कि जो हमारा पिगी बैक मार्केटिंग होता है वो क्या होता है कि एक लो कॉस्ट मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी होती है, जिसमें दो या दो से ज्यादा फर्म्स जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को अपने अपने मार्केट में क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को अपने अपने मार्केट में प्रमोट करते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटेटिव गुड्स नहीं होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू इनकी जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है वो भी शेयर हो जाती है, तो उसमें भी इनको बेनिफिट मिल जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से पिगी बैक मार्केटिंग के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला तो कि ये लो कॉस्ट मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी होती है। दूसरा, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए ही होगा। तीसरा, यहां पर प्रमोशन जो है वो राइट मार्केट में आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपका टारगेट मार्केट बहुत अच्छा डिसाइड हो जाएगा। बिकॉज जैसे आपको भी पता है कि कार का अगर मार्केट है तो वहां पर टायर की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, और जो टायर का मार्केट है वहां पर कार की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे का प्रमोशंस करते हैं, और बेहतरीन तरीके से जो प्रमोशंस होता है वो पिगी बैक मार्केटिंग में आपका अच्छी तरीके से हो जाता है, और आपको अच्छी खासी जो लाइक एक तरह से सेल्स जो है वो आपकी अच्छी खासी इंक्रीज हो जाती है। और कोई कंपटीशन नहीं है, कोई डर नहीं है, तो वो आसानी से ये सारे काम हो सकते हैं। और डर कैसे भी होगा, एक टायर खरीदने के बाद क्या घर जाके कार बनाओगे? क्या नहीं बना सकते ना। तो बस इसीलिए कोई डर नहीं है, आराम से ये जो स्ट्रेटजी है ये यूज होती है और आसानी से सारे काम हो जाते हैं। यू नो व्हाट कि इसका बेनिफिट्स क्या होते हैं? इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। इंटरनेशनल मार्केट में इजीली आप इसके थ्रू एंट्री कर सकते हैं पिगी बैक मार्केटिंग के थ्रू। साथ ही साथ ऑनलाइन मार्केटिंग में भी कई बार आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आप यहां पर प्रमोट कर रहे हो। दूसरा, जो हमारे टारगेट ऑडियंस है वो उन तक हम आसानी से पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो टायर की रिक्वायरमेंट तो बनेगी, उसी तरह से टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कार की रिक्वायरमेंट तो बनेगी। तो इसलिए आप अपने टारगेट ऑडियंस तक आसानी से पहुंच जाते हो और आपकी जो सेल्स है वो बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये चार बेनिफिट्स हमारे पास आ गए। इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से एंट्री हो जाएगी, ऑनलाइन मार्केटिंग आप इसमें कर सकते हो, आपके जो टारगेट ऑडियंस है उसमें आसानी से पहुंच सकते हो, और साथ ही साथ आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट इज द पिगी बैक मार्केटिंग। आई होप कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका हो। क्लियर है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जितना हो सकता है उतना वीडियोस को अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़िए। बिकॉज शॉर्ट वीडियोस इसलिए बनाए गए हैं कि आप अपनी स्टडी को स्मार्टली जो है वो आगे मूव कर सके। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडी हार्ड स्मार्ट, ऑल द बेस्ट। यस, वन मोर थिंग कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ वीडियोस, जिससे कि आप लोगों का कोई भी टॉपिक जो है वो मिस ना हो जाए। ऑल द बेस्ट।